हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है सॉल्व बाय कवर वन फॉर्म एंड टू फॉर्म ऑफ आरसी नेटवर्क। ये नेटवर्क एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एस प्लस फोर, एस प्लस सिक्स, एस प्लस थ्री और एस प्लस फाइव। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले इसको एज इट इज़ लिख देना, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इसको अंदर इन टू कर देते हैं, तो ये एस 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 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एस सिक्स एस हो जाएगा प्लस फोर एस प्लस फोर सिक्स 20 ऐसे हो जाएगा। अपॉन एस का एस स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू एस, 3 एस हो जाएगा। फिर एस का 5 एस हो जाएगा 3 इंटू 5, 15 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जेड एस इज इक्वल टू इसको एस स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद 6 प्लस 4 10 एस हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा नीचे ऊपर ही, और यहाँ पर हो जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस ये 3 प्लस 5 8 एस हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई करके। तो पावर वन और पावर टू के लिए इस वीडियो में मैं पावर वन बता रहा हूँ। पावर वन के लिए हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड होगा हमारा इसके में अंदर रहेगा हमारा ये वाला हिस्सा एस स्क्वायर प्लस ऊपर वाला 10s प्लस 24। न्यूमिनेटर को यहाँ पर डालना है और डिनोमिनेटर को यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। हाँ, तो एस स्क्वायर तो सेम है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और ये एस स्क्वायर, फिर 8s को 1 से करेंगे। तो ऐसा करना है कि ये टर्म कट जाए, पूरा का पूरा कट जाए। तो एस स्क्वायर तो 1 लिख देंगे तो ये अपने कट जाएगा, बाकी 8s को इससे करेंगे तो यहाँ पे 8s हो जाएगा 15 इंटू 1, यहाँ 15 हो जाएगा। और ये माइनस साइन यहाँ पे ये कट गया, ये हो गया 2s प्लस 9, ये हो गया। अब इसको फिर से डिवाइड करना है, इस टर्म को इससे डिवाइड करना है, ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। इसको करने अब ये 2s है, ऐसे एस स्क्वायर से कैसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाए। तो यहाँ साइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एस स्क्वायर को 2s से डिवाइड करेंगे, 1s 1s कट गया तो यहाँ बच गया एस बाई टू, तो यहाँ पास एस बाई टू लिखना है। और 2s को एस बाई टू से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर है। साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। और 9 को अब एस बाई टू से करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 9s बाई 2, ऐसा हो जाएगा। और जो ये तो इंटू हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस साइन लग के 8s माइनस 9s बाई 2 करेंगे तो 8s माइनस 9s बाई 2। इसको हम लोग फर्दर करेंगे तो ये 16s माइनस 9s बाई 2, ये हो जाएगा 7s बाई 2। तो यहाँ पर 7s बाई 2 प्लस 15 ऐसा आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है 2s प्लस 9, ये प्रोसेस आप याद रखिएगा। इसको आगे डिवाइड करते जाना है जब तक नीचे जीरो ना आ जाए, टोटल मतलब टोटल कैंसिल ना हो जाए। अब 7s बाई 2 को 15 से करना है ताकि ये 2s कैंसिल हो जाए, तो 2s बाई 7s बाई 2 करना है ना। डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, एस एस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, सॉरी 2 तो ऊपर जाएगा ना, ये 2 ऊपर गया तो 4s हो गया, 4s अपॉन 7s, एस कैंसिल 4/7 हो गया। तो यहाँ पास 4/7 लिखेंगे, आप चाहे तो इंटू करके देख सकते हैं, 7s बाई 2 को 4/7 से करेंगे तो यहाँ पे 2s आएगा। अब 15 को 4/7 से करेंगे तो 15 इंटू 4/7, 15 4 जा 60/7, ऐसे आ रहा है ना। ये हो गया 4/7 है ना, अब ये हो गया सही, माफ करेंगे 9 है ना, 15 को यहाँ 9 है ना, 15 को 4/7 से करेंगे यहाँ पास आएगा 60/7 आ जाएगा है ना। यहाँ पर 60/7 आ गया, उसके बाद ये माइनस साइन करके ये कैंसिल हो गए। अब 9/9 को 60/7 से माइनस करना है तो 9 माइनस 60/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 माइनस 60/7, ये हो गया 3/7, 3/7 आ गया, यहाँ पे 3/7 आ जाएगा। फिर इस 3/7 को 7s बाई 2 प्लस 15
इससे करेंगे हम 3/7 को, ये एरिया कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको साइड कर देना है, इसे मिक्स नहीं होना चाहिए। और अब ये 3/7 को हम वो करेंगे तो क्या करेंगे, तो 7s/2 आएगा, तो 7s/2 को डिवाइड करेंगे 3/7 से, तो 7 से ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, 49s हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, तो 49s/6, 49s/6 इससे करेंगे तो 7s/2 हो जाएगा, है ना। अब 3 इससे तो इसको इंटू कर नहीं सकते क्योंकि एस वाला एरिया ये 15, जिसमें एस तो है ही नहीं कोफिशियंट, तो ये बस कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये कट गया नीचे 15 आ गया। अब 3/7 को करना है ये वाले को, तो 15 को 3/7 से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड में करके भी बता दे रहा हूँ। 3/7 को किससे डिवाइड करना है, 15 से करना है, तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, ये 15 को 7 से कर देंगे और 3 एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3/105 हो जाएगा। तो यहाँ 3/105 करेंगे तो ये 3/7 आ जाएगा, ये कटिए यहाँ पे ख़त्म हो गई पूरा। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 1s/2, 4/7, 49s, 3/15। तो आप देख सकते हैं एक एक इंटरवल में s वाला एरिया आया है, s वाला पार्ट आया है, और एक एक इंटरवल नॉर्मल कांस्टेंट कोई नंबर आया है, जैसे 1 है, फिर s/2 है, फिर 4/7 कांस्टेंट है, फिर 49s/6 मतलब s वाला कोफिशियंट आ रहा है, फिर कांस्टेंट है 3/105। तो इसको हम लिख देंगे आपको, ये z1 हो गया, इसको लिख देंगे y2, ये हो जाएगा z3। कांस्टेंट टर्म को z3 को प्रोनाइज करना है, और जो s कोफिशियंट वाला है उसको y से, ये हो जाएगा हमारा y4, ये हो जाएगा z5, ऐसे कर देंगे। अब बचा RC नेटवर्क बनाना है, तो RC नेटवर्क बनाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग R समझेंगे और जो S वाला टर्म है उसको C समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर बनाएंगे अगर RC नेटवर्क जब बनाएंगे तो पहले क्या आ रहा है, 1 है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 रहेगा, है ना, रेजिस्टेंस 1 हो गया। उसके बाद इसको 1 लिख देना है, फिर क्या आ रहा है, s/2 मतलब यहाँ पे एस कोफिशेंट है, तो 1/2 फैरेड, ये हो गया इसका वैल्यू s/2 मतलब 1/2। अब आता है क्या, 4/7 रेजिस्टेंस आ रहा है, कांस्टेंट है, यहाँ पे 4/7 ओम ऐसे कर देंगे। उसके बाद 49s/6 है, फिर नीचे कैपेसिटेंस लाएंगे, ये हो जाएगा 49/6 फैरेड, यहाँ पे आगे अब क्या है, 3/105 है, यहाँ पास फिर से रेजिस्टेंस लाएंगे 3/105 ओम, यह आ गया 3/105, और नीचे यहाँ बेस को कनेक्ट कर देंगे, ये आ गया हमारा आर्थिंग मैटर। ये था हमारा cover 1 फॉर्म, cover 2 फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, आप इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो जो प्लेलिस्ट में होगा वो cover 2 फॉर्म होगा इसी RC नेटवर्क का।